हेलो दोस्तों, बार बार कंधा उतरना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सब जगह तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। कई बार लोग इसके इलाज के लिए पहलवान का या मालिश का सहारा लेते हैं दोस्तों, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जब कंधा उतरने की दिक्कत के लिए लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो उनको पता चलता है कि एक हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पर गारंटी से इलाज हो रहा है और उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आज मेरे साथ एक फ़ाइटर मौजूद है जिनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आओ मैं आपसे शेयर करता हूँ। कंधा उतरने की दिक्कत कितने टाइम से थी? बहुत पहले से थी, मतलब जिम में मुझे चोट आई थी अप्रॉक्स 2016 में। तो उसके बाद क्या दिक्कतें आप महसूस कर रहे थे? मेरा बार बार शोल्डर डिसलोकेट होता था, इवन अभी एक साल से तो सोते सोते मैं हाथ डिसलोकेट हो रहा था, मैं कोई हैवी चीज़ नहीं उठा पाती थी और एक डर सा तो मतलब आपने था कहीं ही। दिखाया था इसको पहले भी? मैंने दिखाया भी था, मैंने कई लखनऊ में डॉक्टर सर्च किए, मैंने सर्जरी भी करवाई थी ऑर्थोस्कोपी से, वो फेल हो गई थी। दोस्तों, आर्थोस्कोपी सर्जरी हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती है, उसके कुछ अलग लिमिटेशंस होते हैं। दुर्भाग्यवश क्या होता है, जैसे ही हम सुनते हैं कि भाई दूरबीन का ऑपरेशन है तो हम खुश हो जाते हैं कि भाई दूरबीन से तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दूरबीन के ऑपरेशन की कुछ लिमिटेशंस होती है। अनफॉर्चुनेटली इनका जो केस का दूरबीन का ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। तो उसके बाद दीपिका, आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगी? मैंने आपको एक जब मेरी सर्जरी फेल हो गई थी उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया, तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। मैंने आपके लगभग सारे वीडियोस देखे हैं, मेरे घर वाले मना भी कर रहे थे कि एक यूट्यूब के थ्रू तुम किसी पे ट्रस्ट कर रही हो, इतनी दूर जा रही हो, बट नहीं, मैंने इतना कुछ देख रखा था, आप पे ट्रस्ट था तो मैं आ गई और वहीं से पता चला। यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना दर्द होता है इस ऑपरेशन के अंदर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक दिन बस जो नॉर्मल ऑपरेटेड का दर्द है वो रहा। कंधा उतरता है तो ज़्यादा दर्द होता है या इस ऑपरेशन में ज़्यादा दर्द है? वो 100% है, ये 2% है। अच्छा, तो ये मान, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो डर के मारे ऑपरेशन नहीं करा रहे कि भाई कंधा उतर रहा है तो कोई बात नहीं लेकिन ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कंधा उतर रहा है ये भी एक रीज़न होता है, लोग डरते हैं कि ट्रस्ट नहीं कर पाते डॉक्टर से, और दूसरा उनको 45 डेज रेस्ट करना पड़ेगा, उनके काम बंद हो जाएंगे, वो ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा लाइफ टाइम का रिस्क लेने से बेटर है एक परमानेंट ट्रीटमेंट आप ले लो और आप सर्जरी कराओ, क्योंकि सारी चीज़ें बंद नहीं होती, नॉर्मल थोड़े बहुत काम तो आप, हाँ, छोटे मोटे सारे काम कर सकते हो, और बाकी जैसे आप कंप्यूटर का काम करते हो, आप बैंक वैंक की जॉब करते हो या लिखा पढ़ी का कोई काम है तो वो भी कर सकते हो। सिर्फ रेस्ट्रिक्शन ये रहता है कि आप हाथ को ऊंचा नहीं कर सकते या बाइक वाइक नहीं चला सकते, बाकी 60-70% तक आप अपने काम खुद के कर सकते हो, खाना पीना खा सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप का काम कर सकते हो, लिखा पढ़ी का फाइल का काम कर सकते हो। तो दीपिका, कोई और भी लोग हैं यूपी में जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको कंधा उतरने की दिक्कत है, तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि नवीन सर बहुत अच्छे हैं, मेरा पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैं भी आप लोगों की तरह बहुत डर रही थी, सर ने कई क्लाइंट से मेरी बात भी कराई थी तो उन लोगों ने मुझे ये तक बोला कि ये सब प्लान्ड होता है ये वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो वीडियो में देखते हैं एग्जैक्टली सेम वही होता है, क्योंकि मैं भी लखनऊ से इतना डर कर ही आई थी, बट मैं बहुत खुश होकर जा रही हूँ और मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आप बेफिक्र होकर आ सकते हैं, ऐसा कोई खर्चा भी नहीं है, बिकॉज लखनऊ में मुझे सर्जरी के 1 से 1.5 लाख बताए गए थे जो कि मेरे एक बार वेस्ट भी हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी कंधा बार बार उतरने की दिक्कत आ रही है और कोई कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी से कराऊं, या आपने MRI भी नहीं कराई है तो आप MRI करवा लो। 3 टेस्ला मशीन की MRI करानी चाहिए, क्योंकि कई लोग बहुत लो क्वालिटी की MRI करा लेते हैं और उसमें फिर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता। अगर आपके MRI पे बैंक कार्ड, हिल सैक और बोन लॉस लिखा हुआ नहीं है तो आप समझ लो कि वो MRI बेकार है, इसका मतलब उस MRI में ढंग से आपके कंधे को देखा ही नहीं गया है। ठीक है दीपिका, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर।